ईएनबीए में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनसे चीफ राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या का दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी के कैसरगंज से सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो राज ठाकरे के अयोध्या आने का समर्थन कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बड़ा बयान दे दिया है। चंपत राय ने कहा है कि उन्होंने आज तक किसी का अपमान नहीं किया है, भगवान के दरबार में सबका स्वागत होता है, ठाकुर जी किसी को मना नहीं करते। अरे मैंने किसी का अपमान किया ही नहीं यहाँ पर आज तक सर। राज ठाकरे जी सदा मैंने किसी का भगवान के दरबार में सबका स्वागत ही होता है, ठाकुर किसी को मना नहीं करते। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और निर्माण समिति के 2 दिवसीय बैठक 15 मई को खत्म हुई। बैठक के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने साफ किया कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे हो या कोई और हो, हर किसी का भगवान के दरबार में स्वागत है, क्योंकि ठाकुर जी किसी को मना नहीं करते। इसी के साथ 2 दिवसीय बैठक में मंदिर के साथ यात्री सुविधाओं को बेहतर करने पर भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। चंपत राय ने बताया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 25,000 दर्शनार्थियों के लिए सामान रखने की व्यवस्था पर काम कर रहा है, ताकि दर्शन करने आए तीर्थयात्री अपना सामान वाहन रख सके। मंदिर के साथ साथ तीर्थ यात्रियों का सुविधा केंद्र साथ साथ तैयार हो, इसकी सहमति बन गई है। प्राथमिक पहले चरण में ये मानकर चला जाए कि हम 25,000 तीर्थ यात्रियों के सुविधा का निर्माण कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा का अर्थ है रेलवे स्टेशन से कोई उतरा तो कहीं सामान रख सकता है, जूता मोबाइल रख सकता है, तो ये जो सुविधा है पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, इसको हम साथ साथ शुरू करें। बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे उत्तर भारतीयों को लेकर अक्सर भड़काऊ बयान देते रहते हैं। महाराष्ट्र में जब से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है तब से उनका स्टैंड मराठी वर्सेस उत्तर भारतीय का रहा, जिस वजह से कई बार मनसे कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय कामगारों की जगह जगह पिटाई भी कर दी है। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी और शिवसेना ने हिंदुत्व के एजेंडे को जैसे आगे बढ़ाया, राज ठाकरे महाराष्ट्र में तिनके की तरह बिखर गए। आलम यह हुआ कि मनसे महाराष्ट्र में ना के बराबर सिमट कर रह गई, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच आए फूट ने राज ठाकरे को संजीवनी दे दिया और आगामी चुनाव को देखते हुए राज ठाकरे ने प्रांतवादी राजनीति को छोड़ हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेकर महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की ठानी, और इसकी शुरुआत वो अयोध्या से करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पुराना पाप कभी नहीं मिटता, राज ठाकरे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राज ठाकरे भले ही अयोध्या से अपनी राजनीति में जान फूंकना चाहते हैं, मगर बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं जो उनके सामने रोड़ा बनकर खड़े हैं और चाहते हैं कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगे फिर अयोध्या जाएं। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।